राम और राम सेतु के अस्तित्व को लेकर पूरे देश में कई बार बहस हुई, सवाल खड़े हुए और कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर भी। जहां तक बात राम सेतु की है तो इसको लेकर यूपीए सरकार से लेकर अटल और अटल सरकार से लेकर अब मोदी सरकार में सवाल गूंज रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या मोदी सरकार राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेगी या फिर नहीं। वैसे अब ये मामला एक बार फिर से कोर्ट की चौखट पर जा पहुंचा है, और कोर्ट में ये मामला कोई और नहीं बल्कि हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी लेकर गए। अब सवाल ये कि कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा और कब होगी इस मामले की सुनवाई और क्या है इस पूरे विवाद का इतिहास, सब बताएंगे आपको। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि इस याचिका में मांग स्वामी ने की क्या है। स्वामी की याचिका में मांग की गई है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 26 जुलाई को सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। वैसे अब आपको ये भी बता दें कि स्वामी इससे पहले भी कई बार इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी गूंज रहा था कि क्या इस बार कोर्ट इस मामले पर गंभीरता से सुनवाई के लिए तैयार होगा, ये बात क्यों, तो ये आगे आपको बताएं। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि कोर्ट ने सीजीआई ने कहा क्या। सीजीआई ने कहा, हम देखेंगे, हमें एक और सप्ताह का समय दें। हालांकि बाद में बेंच ने 26 जुलाई को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दे दिया। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी इससे पहले कई बार अपनी याचिकाओं को लेकर कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। इसी साल फरवरी में भी स्वामी ने मामले का जिक्र किया था और इस मामले पर अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग कोर्ट से की थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2021 में भी स्वामी ने तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच से गुजारिश की थी कि वो इस मामले पर सुनवाई करे। तब तत्कालीन सीजीआई ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई अगले सीजीआई जस्टिस एन.वी. रमना द्वारा की जाएगी, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस रहे बोबड़े 24 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कोर्ट का स्टैंड क्या होगा और सरकार का रुख क्या होगा, इसको लेकर पूरे देश का रुख कोर्ट की सुनवाई पर जाकर टिका होगा। अब देखते हैं कि 26 जुलाई को क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।